After 25 years, One Piece ने हमें रिवील किया है उसके हर एक सीक्रेट को। Excuse me, what? लुफी के गॉड फ्रूट का ओरिजिन और एंशिएंट किंगडम का रिवील होना, ये जस्ट शुरुआत था जो कि One Piece हमें आगे और रिवील करने वाला था। लेकिन सिंस One Piece के पास 1100 से भी ज्यादा चैप्टर्स है, तुम्हें कई चीजें नहीं पता है जो कि वन पीस ने हमें स्टार्टिंग से ही रिवील किया है। वन ऑफ द मिस्ट्री है उसके ट्रू हिस्ट्री का। और आज हम अपने स्टीव फ्यूचर साइट की मदद से हम तुम्हें हर एक चीज समझाने का ट्राई करेंगे जो कि हमें समझ में आया है। देयरफॉर डीकोड करते हुए वन पीस के हिस्ट्री से अभी तक का सफर, जो कि हमें लेके जाती है वन पीस के 5000 साल पीछे के आर्क में। हमारे पास कई ऐसे एविडेंस है, प्रूफ है कि वन पीस की वर्ल्ड इवन वॉइड सेंचुरी से भी पुरानी है। एज ये चीज स्टेटेड है कि ट्री ऑफ नॉलेज 5000 साल पुरानी है जो कि ओहारा के लोगों ने उगाई है। वैसे ही हमें बताया गया है कि अरबास्टा का जो पैलेस है वो 4000 साल पुरानी है। इस चीज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वन पीस के वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन थी वो अपने आप में ही अराउंड द वर्ल्ड अपने ही धुन में एक्टिव रहती थी। Not to mention, मून में भी जो सिविलाइजेशन थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एडवांस हो रही थी। ये चीज हमें एनएल की वजह से पता है, क्योंकि एनएल हमें वन पीस के ऑफ्टनली कवर पेज में दिखता है। इनफैक्ट हमें ये तक पता है कि वन पीस में ये जो स्पीसीज रह रही है इनका नाम है बेरिका। इनके पास भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये अपने टेक्नोलॉजी को कहते हैं ऑटोमाटर्स। हमें ये चीज पता था कि बैरिकन्स, सेंडारियंस और फिस्काइपियंस एक साथ रहते थे, लेकिन हमारा मानना है कि जैसे ही मून में रिसोर्सेस खत्म हुए, यहाँ की सिविलाइजेशन एक नए प्लैनेट की खोज में गई, तो वो वन पीस के वर्ल्ड में जाते हुए। इस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा मानना है कि लुनारियंस भी एक मून के स्पीसीज थे, एज इनके नाम में भी खुद ही एक लूना है और इनके पास भी विंग्स है जस्ट लाइक बाकी तीन स्पीसीज की तरह जो कि मून में थे। देयरफॉर एक लॉजिक बनाते हुए कि मून में जितने भी स्पीसीज थे सबके पास विंग्स थे, ये और भी ज्यादा सेंस बनाता है सिंस जब रॉबिन ने पॉनीग्रिफ को पढ़ा था देन वो एक ऐसी चीज को मेंशन करती है जिसे कहा गया था द एज ऑफ हेवन। रॉबिन ने हमें और भी कई चीज मेंशन नहीं करा सिंस एट द टाइम क्रोकोडाइल स्क्रीन पे था, लेकिन हमारा मानना है कि इस चीज का इन्फॉर्मेशन उसे अपने होम ओहारा में ही मिल चुका था। कम्युनिटी में ये काफी बड़ी थ्योरी है और ये चीज माना जाता है कि एज ऑफ हेवन एक इवेंट का नाम था। ये तब हुआ जब मून की स्पीसीज इवैक्यूएट करके अर्थ की तरफ आ रहे थे। जस्ट इमेजिन करो कि विंग्स में कई स्पीसीज उड़ के आ रही है अर्थ की तरफ और कईयों के पास तो इवन हेलो भी है, देन कोई भी ये चीज मानने के लिए रेडी हो जाएगा कि ये सारी स्पीसीज हेवन से आ रही है। नॉट ओनली दैट, इवन लुनारियंस को हमें कहा जाता था किंगडम ऑफ गॉड्स, जो कि एक जमाने में रेड लाइन में एग्जिस्ट किया करता था इससे पहले कि मैरिज हुआ वहां पे एग्जिस्ट करता। मून से जो भी लोग आए थे या तो वो रेड लाइन में सेटल हो गए या फिर कहीं पे वो स्काई आइलैंड में, और ऑफ्टनली जो भी उस जगह के नीचे से पास होता वो उनके शैडोज को देखता और ये मानते कि कहीं ना कहीं ये साइड से एक डीएटी है जो कि ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर इस पीरियड में ये चीज एक काफी कॉमन इवेंट बना और इस पीरियड को हमें कहा गया एरा ऑफ हेवन। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया वैसे वैसे लोगों का ये मानना हुआ कि स्काइपिया के लोग शायद से एग्जिस्ट नहीं करते। आफ्टर ऑल किसके पास पंख हो सकता है और वो उड़ सकते हैं। देयरफॉर धीरे धीरे लोगों का मानना ये हुआ कि स्काइपिया के लोग और बाकी सारे लोग जस्ट एक मिथ है और ये जस्ट एक कहानी है। और ठीक इसी टाइम में वन पीस में स्टार्ट हुआ द एज ऑफ द सी सर्कल। ये एक डेट मेथड है इन वन पीस जिसके थ्रू वन पीस अपने टाइम को ट्रैक करके रखता है, मीनिंग कि यही वो टाइम है जब हमारी वन पीस की वर्ल्ड स्टार्ट हुई। देयरफॉर साल जीरो। हर एक एरा अपने पर्टिकुलर इवेंट के लिए जानी जाती है कि आखिर उस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो गया। जैसे रियल वर्ल्ड में अभी के एरा को हम टेक्नोलॉजी एरा कहते हैं क्योंकि अभी हम टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और उसे यूज करते हैं। नाउ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी हम धीरे धीरे एआई के एरा में जाएंगे। एक टाइम लाइन को उसके इवेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उसको एक नाम दिया जा सके। वैसे ही वन पीस अपने स्टार्टिंग के एरा को नाम देती है द सी सर्कल, क्योंकि ये वो टाइम था जब वन पीस के वर्ल्ड में लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट करा और उनको पता चला दी रेड लाइन के बारे में, वही रेड लाइन जो कि पूरे वर्ल्ड को एक रैप करती है। जब ये चीज वन पीस के वर्ल्ड में स्टार्ट हुई तभी वन पीस के लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा।
जब लोग एक्सप्लोर करने लगे तो वो मैप बनाने लगे। ऑफ्टनली वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए नेविगेशन यूज होने लगा और फिर लोग यहाँ पे ट्रैवल करने लगे। लोग हर एक आइलैंड में अपने शिप अपने लोगों के साथ पहुंचने लगे जहां तक वो पहुंच सकते थे। नाउ सिंस वो नए जगह को डिस्कवर करने लगे, देन वो नए जगह में पहुंच के वहां के लोगों को रूल भी करने लगे। देयरफॉर यही वो टाइम था जब वन पीस के लोगों ने भी कॉलोनाइज करना स्टार्ट करा। कई किंगडम जो कि पहले से ही एस्टैब्लिश थे एट द टाइम अपने डिफेंस को बनाने लगे। ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, लोग इवॉल्व होने लगे। कुछ लोग काफी ज्यादा ही डेवलप हो गए जहां पे उन्होंने अपने सिटी को बिल्कुल गोल्ड ही बना दिया। पता चलता है कि जायंट की स्पीसीज एल्बाफ के जगह में एक किंग के अंडर सर्व कर रहे हैं। यही पे हमें पता चलता है कि एंशियंट ट्री एडम यहीं पे प्लांटेड था। एट द सेम टाइम इस ट्री की सिस्टर अंडरग्राउंड में बड़ी हो रही थी जहां पे क्वीन और पोसाइडन इस चीज का देखभाल करती। लेकिन लेटर वो भी अपने लोगों को यहाँ से निकाल के लैंड में शिफ्ट होती। सिंस ये ट्री काफी बड़ी हो चुकी थी और ये इवन रेड लाइन को भी पार कर चुकी थी, इसके देखभाल के लिए एट द टाइम लुनारियंस को चुना गया। इसके 100 साल के बाद जुनेसिया का बर्थ होता है। हमारे बाद के स्टोरी में जुनेसिया एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। एट द सेम टाइम वनो भी अपने आप को एक कंट्री एस्टैब्लिश करती है। एट द सेम टाइम द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंगडम द किंगडम ऑफ डॉम भी हमारी स्टोरी में आता है। ऑफ कोर्स ये नाम हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकली ले रहे हैं। ओवर द इयर्स ये किंगडम काफी ज्यादा डेवलप होती और अपने टाइम की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि इनके पास काफी अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन था बाकी कंट्रीज के साथ और एडवांस टेक्नोलॉजीज थी जो कि हो सकता है इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ बनाया था मून के उन स्पीसीज के साथ जो कि ऊपर से आए थे। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि वन पीस के वर्ल्ड में हर तरफ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। एस रेसिस्ट जैसे कि लॉन्ग आर्म और लॉन्ग लेग अपने ही बीच में लड़ते क्योंकि इनके पास काफी लिमिटेड रिसोर्सेस था जिसकी वजह से इनका काफी लंबा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो कि आज भी चल रही है। दूसरे रेसिस्ट जैसे कि टोनटाटस ह्यूमन की सेवा करने लगे। उनके साइज और उनके यूनिकनेस की वजह से वो लिटरली एक एनिमल की तरह थे। लेकिन तब के डेस्ट्रोसा के किंग डोंकी होटे ने उन्हें सेफ्टी दी जस्ट बिकॉज कि वो उन्हें स्लेव बनाए ताकि ड्रेस्ट्रोसा के लोगों को फायदा हो। इनफैक्ट ये बस टोनटाटस ही नहीं थे जो कि स्लेवरी से सफर कर रहे थे। इनफैक्ट स्लेवरी की हिस्ट्री अपने आप में ही एक अलग हिस्ट्री है इन वन पीस। ये अपने आप में ही हिस्ट्री इसलिए है क्योंकि जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था वो यूज करने लगे स्लेव को। जब आपके पास एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी नहीं होती देन ये कहीं ना कहीं आपके पूरे कंट्री को एक डिसएडवांटेज में रखती है। दैट्स द रीजन कि कई कंट्रीज इन वन पीस अपने आप में ही स्लेव सिस्टम को अब एस्टैब्लिश कर रही थी जिसकी वजह से डॉन किंगडम से एक कैरेक्टर आया जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता और जहां पे भी वो स्लेव को देखता वो उन्हें लिबरेट करता। ये इसलिए क्योंकि उसके पास पावर था ऑफ सन गॉड नीका। वो जहां पे भी जाता लोगों को लिबरेट करता और लोगों में खुशियां और फ्रीडम फैलाता। लेकिन कहीं ना कहीं आफ्टर अ पॉइंट वो फेल हुआ। हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से ये ऑकर करती है अराउंड 600 to 700 जिसका नाम पड़ा वॉइड सेंचुरी। और ऐसी 600 से 700 सालों के बीच में यहीं पे फॉर्म होती है वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसने आगे जाके ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को रूल किया। लेकिन ये आज तक अपने आप में ही मिस्ट्री है कि आखिर इन 100 years के बीच में खुद ही वन पीस वर्ल्ड में क्या हुआ था जिसके चलते ये सेलेस्टियल बीइंग आज एक एनोमली है। हमें पर्सनली लगता है कि ये वॉर था दो ग्रुप्स के बीच में। सबसे पहले थे किंगडम ऑफ डॉन जो कि ऑफ्टनली पूरे वर्ल्ड में जाते और वहां पे स्लेव्स को लिबरेट करते। इसे लीड क्या करता एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसके पास इवन रियलिटी को शेप करने का भी पावर था, द ओरिजिनल जॉय बॉय, जो कि उस जमाने में पीस और इक्वालिटी जैसे चीजों के लिए एक सिंबल था। वो इसलिए भी इतना बड़ा सिंबल बना क्योंकि उसके हाथ में ये तीन मेजर पावर्स थे। पोसाइडन उसे ये पावर देती कि वो सी किंग्स को बुला सके जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर्स है ऑन वाटर। यूरेनियम जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकता था और जिसकी मदद से वो सी के किसी भी कॉर्नर में पीसफुली ट्रैवल कर पाते। प्लूटोन जो कि अल्टीमेट बैटलशिप है जिसके चलते रेड लाइन डिस्ट्रॉय हो सकता था। देयरफॉर लिटरली वर्ल्ड को कनेक्ट करते हुए वन पीस में। हाँ, इन टूल की मदद से कोई भी वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाता लेकिन जॉय बॉय जस्ट इन्हें दूसरों को फ्री करने के लिए यूज करता। लेकिन हमारा मानना है कि बस यही टूल्स नहीं थे जो कि डॉन किंगडम को पावरफुल बना रही थी। वेगा पंक ने यह मेंशन किया है कि डॉन किंगडम टेक्नोलॉजिकली भी काफी एडवांस थी।
इसका प्राइम एग्जांपल होगा यही आयरन जाइंट जो कि हमें दिख रहा है। इनफैक्ट ये जॉय बॉय का क्रू था जहाँ पे विल ऑफ डी स्टार्ट हुआ, एक ऐसा क्रू जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग थे। इस क्रू में जाइंट्स भी थे, फिशरमैन, लुनारियंस और इवन ये सस्पिशियस नेम सेंट नेरोना ईमू। जॉय बॉय कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में ट्रैवल करता था और फिर पूरे लोगों को फ्रीडम देता था। जो भी उसे फॉलो करता वो अपने नाम में डी रखते, और आज हम जो भी डी को देख रहे हैं वो सारे लोग डिसाइपल है उन कैरेक्टर्स के जिन्होंने इनिशियली वो डी लिया था। वन पीस में भले ही ये लगे कि डी काइंड ऑफ एक फैमिली नेम की तरह है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो रही है, बट ये सिंपली ट्रू नहीं, सिंस ये काइंड ऑफ लेस अबाउट ब्लड है और मोर अबाउट आइडियोलॉजी है। इसका काफी बढ़िया एग्जांपल होगा व्हाइट बियर्ड का फैमिली। जो भी जॉय बॉय और उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करते उन्हें ये डी मिलता। दैट्स द रीजन कि एक ह्यूमन भी डी है और एक जाइंट भी। अगर हम थोड़ा सा सोचे देन हमारा मानना है कि ये डी क्लैन में सबके सेम गोल्स नहीं थे, मतलब कि सबके गोल जॉय बॉय के गोल की तरह नहीं थे। एक ओनली इम्पोर्टेंट चीज यही थी कि सारे लोग फ्रीली रहे और एक सन के अंडर रहे। दैट्स द रीजन कि हमारा मानना है कि सारे डी काफी सिमिलर होते हैं लेकिन उनके एक्शंस काफी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल जॉय बॉय लोगों को स्लेवरी से फ्रीडम दिलाता है, गार्प लोगों को पायरेट के थ्रेट से फ्रीडम दिलाता है, ड्रैगन चाहता है कि वो लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट से फ्रीडम दिलाए, ब्लैक बियर्ड जो कि यू नो थोड़ा सा फेक डी की तरह है, दैट्स द रीजन कि वो वर्ल्ड को खुद ही लेके वर्ल्ड को लिबरेट कराना चाहता है। एस खुद के लिए फ्रीडम चाहता था जहाँ पे वो लीनियज, जनरेशन बर्डन, इन सारे चीजों से फ्री होता। हमेशा से वन पीस यही दिखा रही है कि डी क्लैन के लोग फ्रीडम से रिलेटेड किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे वन पीस ये दिखाती है कि तुम अपने फ्रीडम के आइडिया को अपने आप से चूज करो। और इस पूरे जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो कि उन्होंने विजिट करा था वो था फिशरमैन आइलैंड। फिशरमैन आइलैंड काफी डेप्थ में है और फिर यही काफी इम्पोर्टेंट लोकेशन है क्योंकि ये पहली सिविलाइजेशन थी जिसने इस चीज की जिम्मेदारी ली कि वो ईव को ग्रो करेंगे। जब फिशरमैन इस पेड़ के रूट को देख रहे थे, एट द सेम टाइम लुनारियंस इसी पेड़ के ब्रांच और स्टीम को देख रहे थे जो कि लोकेटेड था रेड लाइन में। Now since fishermen काफी टाइम से अंडरग्राउंड में रह रहे थे, that's the reason कि over the time ऊपर की civilization उन्हें भूलने लगी। Over the time बाहरी दुनिया से ज्यादा contact ना होने के कारण उन्हें कहीं ना कहीं एक outcast consider करने लगे। That's the reason कि उन्हें monster कहा जाने लगा और फिर उन्हें heavily discriminate किया जाने लगा। इस चीज को witness करते हुए joy boy बिल्कुल ही खुश नहीं था। उसने एक ऑर्डर दिया कि यहाँ पे एक शिप बननी चाहिए जो कि होगा नोवा, जो कि फिशरमैन आइलैंड के लोगों को ऊपर लेके जाएगी, देयरफॉर ताकि वो सन के नीचे चैन से रह सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आई जब उन्हें पता चला सन ट्री के बारे में। ये ट्री सन के लाइट को एब्जॉर्ब करती और अपने नीचे रूट में भेजती जो कि नीचे से सी को लाइट अप करता। एट द सेम टाइम रूट नीचे से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता और अपने ब्रांचेस से लाइट छोड़ता। जब ये रूट एज अ एनर्जी सोर्स किसी और के हाकी को मैनिफेस्ट करता, इसी से फॉर्म होता एक ऐसा फ्रूट जिसमें पावर है जो कि उस पर्सन के ड्रीम को लिटरली मैनिफेस्ट करता। लुनारियंस एक जमाने में इस पेड़ के फ्रूट को प्रोटेक्ट करते ताकि ये कुछ गलत हाथों में ना जाए। लेकिन जब लुनारियंस ने भी इस कैरेक्टर जॉय बॉय को देखा देन वो भी काफी इम्प्रेस थे। एक इंसान एक ऐसा भी ड्रीम करता है जहाँ पे सारे लोग पीसफुली रहते, और लुनारियंस ने जॉय बॉय को ये मौका दिया कि वो एक विश को मांगे और जिससे जनरेट हुआ ये सन गॉड नी का फ्रूट। सिंस ये फ्रूट एक अच्छे चेंज को लाता और वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाता। ये ट्री लिटरली एक मैजिक की तरह था जहाँ पे वो लोगों के विश को समझ के उसके हिसाब से एक फ्रूट देता, एक ऐसा फ्रूट जो कि मैनिफेस्टेशन था ऑफ ड्रीम इटसेल्फ। लेकिन हमारा मानना है कि अगर आपने सेटन को आपके रास्ते में आते हुए नहीं देखा, दैट मींस कि वो आप ही के साथ चल रहा था। सिमिलरली जो जॉय बॉय के ड्रीम को आगे जाके डिफाई करने वाला था वो उसी के क्रू में था, ईमू डी जूलियस। ईमू को जब ऐसा पता चला कि एक ऐसा ट्री भी है जो कि विश को ग्रांट करने और उसे फुलफिल करने में मदद करता है, देन कहीं ना कहीं ये चीज उसके लिए एक ट्रिगरिंग मोमेंट था।
इमोडी जूडियस ने जॉय बॉय को बिट्रे करा। इमो इस प्लान के साथ आई जो कि इस वर्ल्ड को कम्प्लीटली कोर से ही शेक करता। उसने 19 डिफरेंट किंगडम्स को अप्रोच करा और उसने जॉय बॉय के ड्रीम को समझाया कि वो पूरी दुनिया को यूनिफाई करना चाहता है। दैट मींस कि इन सम केसेस वो बहुत सारे कंट्रीज को ओवरथ्रो भी करेगा। कंट्रीज जैसे कि ड्रेसरोसा जो कि स्लेवरी को यूज करके आगे बढ़ रही थी। दैट मींस कि कहीं ना कहीं उसे ये जॉय बॉय के आइडिया से काफी बड़ा नुकसान होता। एंड द प्लस पॉइंट, अगर वो ये डॉन किंगडम को गिरा देते हैं देन वो बन जाएंगे वर्ल्ड के रूलर्स। केसेस जैसे कि क्वीन लिली लेफेटारी जो कि तब की क्वीन थी ऑफ अलाबास्टा, हमें लगता है कि इमू ने कई ऐसे लाइज कहे होंगे ताकि वो उसे अपनी टीम में लेके आ सके। जैसे उसने इस आइडिया को ऐसे दिखाया कि ये नेशन पीस बिल्ड नहीं कर रही बल्कि पूरे वर्ल्ड में रूल करना चाहती है। ये एक किंगडम ऑफ कॉन्क्वेस्ट है जो कि पूरे दुनिया में रूल करना चाहती है। आफ्टर ऑल नहीं तो इन तीनों वेपन्स का यूज क्या है। एज अ रिजल्ट ये 20 किंगडम अलाइंड हुए और फिर उन्होंने एक वॉर को छेड़ा। ये एक कंडीशन के साथ आया कि इमू अंदर से ही डिफेंस को वीक करेगी। सिंस इमू जॉय बॉय के क्रू के साथ काफी क्लोज थी, उसने इसी चीज का फायदा उठा के तब के जुनेशिया को ट्रिक किया जो कि तब के वानो के एम्बेसडर एंशिएंट किंगडम के अंडर था। हमारा ये भी मानना है कि ये मात्सुकी टोकी के फादर थे। जुनेशिया को ट्रिक किया गया ताकि वो टोकी के फादर से इंटेल ले सके, जिसकी वजह से यूरेनस इमू के हाथ में गया जो कि सपोजली प्रोटेक्टेड था वानो के अंडर। Now since Uranus भी इमू के कंट्रोल में थे और बाकी 19 कंट्रीज भी, ये डॉन किंगडम अब धीरे धीरे वॉर में पीछे आने लगे। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि डॉन किंगडम इस पूरे लड़ाई में अकेले नहीं थी। उनके सपोर्ट्स में आए जायंट्स, लुनारियंस, शंडोरियंस, फिशरमैन और डेफिनेटली वानो के लोग। लेकिन स्टिल इन सारे पेयर अप के बाद भी वो धीरे धीरे वॉर को हार ही रहे थे। लेकिन एट द सेम पॉइंट लिली को ये चांस मिलता है कि वो इस सो कॉल्ड विलन से मिले जॉय बॉय। जब वो पहली बार मिले, जॉय बॉय ने इस चीज को कन्विंस करने का ट्राई किया कि वो यहाँ पे इनोसेंट है और वो बस यही चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम लेके आए। देफो उसे ये ऑफर देते हुए कि क्यों ना वो उसके क्रू को ज्वाइन करे। लेकिन सिंस लिली एक कंट्री की क्वीन थी और वो ऐसे रैंडमली डिसीजन को चेंज नहीं कर पाती, वो अब इमू को अपने ही वे में रोकने का सोच रही थी। That's the reason कि उसने इसी चीज को सोचा कि वो इमू के साथ ही पैर अप करने का नाटक करते रहेगी। लेकिन बस एक यूरेनस के ब्लास्ट से डॉन किंगडम का लिटरली एग्जिस्टेंस ही मिट गया। जॉय बॉय को ये पता चल चुका था कि वो इस वॉर को हार चुका है। That's the reason कि उसने एक 800 years का एक प्लान बनाया। एक ओरेकल से कंफर्म करने के बाद कि उसकी लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, उसने अपने डिसीजन लिए और उसे पता था कि एक दिन वो वापस आएगा। उसने अपने सारे क्रू मेट्स को ये कहा कि वो सारे लोग सेफ्टी में चले जाए। इस प्रोसेस में टोकी के फादर ने टोकी को भी कहा था कि वो रिट्रीट करे, लेकिन वो अपने पावर के चलते कहीं फ्यूचर में पहुंच गई। जॉय बॉय को पता था कि ये सारी चीजें हिस्ट्री से मिटा दिया जाएगा। दैट्स द रीजन कि वो कोजू के फैमिली के पास गया जहां पे उन्होंने पॉनीग्लिफ को बनाया ताकि एक ऐसा सोर्स हो जो कि कभी डिस्ट्रॉय ना हो सके। वॉर एंड हुआ और वानो के लोगों ने प्लूटोन को अपने अंदर लिया और अपने आप को भी आइसोलेट कर लिया। इस केस में उन्होंने अपनी ही पूरी कंट्री को सिंक करके रख दिया। जॉय बॉय को पता था कि उसने अपने मिशन को फेल किया है एंड दैट्स द रीजन कि एक पॉनीग्लिफ में उसने फिशरमैन आइलैंड से माफी भी मांगी है, ये कहते हुए कि इस दिन का इंतजार करो कि एक दिन वो सही में आएगा। और एक पॉनीग्लिफ जिसमें फ्यूचर के लिए मैसेज था जो कि उसने लाफ टेल में रखा। आखिर में एक लास्ट वॉर को अकेले लड़ते हुए मैरी जुआ में, जहां पे उसकी डेथ हुई और उसके हैट को इमू ने रख लिया। जब जॉय बॉय की डेथ हुई, इमू इस पूरे वर्ल्ड की किंग बन चुकी थी। वो और बाकी 19 किंगडम्स अब पूरे वर्ल्ड पे रूल करते। उन्होंने रेड लाइन पे सेटल होने का सोचा जहां पे सन ट्री है। एट दिस पॉइंट लुनारियंस कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो चुके थे, जिसकी वजह से जो बाकी थे उन्हें बाहर जाके छुपना पड़ा। मैरी जुआ यहाँ पे थी और वो यहाँ पे डेविल फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते ताकि उनको खुद को पावर मिल सके और वो वर्ल्ड के अगेंस्ट लड़ सके। लेकिन एट द सेम टाइम जब सारे 18 किंगडम इस चीज से रिलेटेड खुश थे कि वो अब किंग बन चुके हैं, एक क्वीन ऐसी भी थी जो कि यहाँ पे काफी दुखी थी। वो इस मिशन में फेल हो चुकी थी कि उसने इमू को पीछे से अटैक नहीं किया। जॉय बॉय के डेथ के लिए वो अपने आप को ही ब्लेम करती। इन सारे डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद लिली ने यह सोचा कि वो मैरी जुआ से निकल जाएगी, सिंस अब उसके यहाँ पे रहने का कोई पर्पस भी नहीं। उसने इस चीज की जिम्मेदारी ली कि वो पूरे दुनिया के पॉनीग्लिफ को ढूंढेगी। जब इमू और होली नाइट ने इस पूरे पॉनीग्लिफ के कलेक्शन को कलेक्ट किया
देन उसे ये जिम्मेदारी मिली कि वो यहाँ पे मैरी जुआ को ये पॉनग्लिफ दे दे। उसने मैरी जुआ में जाके ये क्लेम किया कि बीच में ही उन्हें अटैक किया गया और फिर ये पॉनग्लिफ उनके हाथों से छूट गया। ये मिस्टेक था या फिर कम्प्लीटली प्लान्ड एक स्टेज एक्टिविटी, ये इवन ईमू ने भी हमें रिसेंट चैप्टर्स में पूछा है। एट दैट पॉइंट लिली ने एक काफी क्लेवर बहाना यूज किया, ये कहते हुए कि उसने पॉनग्लिफ को लूज किया है और वो इस जिम्मेदारी को फुलफिल ना करने के कारण वो यहाँ पर रह नहीं सकती। ये एक्सक्यूज तब के टाइम के इमू के लिए काफी बढ़िया एक्सक्यूज था और इमू ने भी इस चीज में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन लिली बाद में जाके मिस्टीरियसली डिसअपीयर हुई दुफो उसके ब्रदर को किंग बनाते हुए। वानो में भी चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही थी, जहाँ पे जुनेशिया को पनिश किया जा रहा था क्योंकि वो इमू से ट्रिक हुआ, जिसकी वजह से उसे यूरेनस मिला था, जिसकी वजह से आज तक जुनेशिया पूरे समंदर में चलता है। वन पीस में एक न्यू एरा की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे अब रूलर वर्ल्ड गवर्नमेंट थी। सेलेस्टियल ड्रैगन का रेन शुरू होता है। इन सेलेस्टियल ड्रैगन के पास भी अपना खुद का एक डेविल फ्रूट था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डेविल फ्रूट तब तक ही रहती है जब तक उसके यूजर जिंदा है। आफ्टर दैट डेविल फ्रूट खुद भी रीबॉर्न होते हैं। वक्त लोगों के फेवर में था, लेकिन इसी चीज को इमू ने काफी बढ़िया तरीके से खेला। डेविल फ्रूट से रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन को बैन किया गया, उन्हें फॉरबिड किया गया। By the time humanity के हाथों में devil fruits आए, तब तक humanity इसी चीज को भूल चुकी थी कि आखिर devil fruit क्या होता है और उनका true past क्या था। उन्हें अपने आप में ही ये नहीं पता था कि आखिर वो है कौन। भले ही government ने जितना भी try किया हो will of T को नीचे झुकाने का, will of T अभी भी rise होते रही। Over the time धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये चीज generation by generation pass on होते रही। Right at the end start होता है Tequila Wolf का construction। ये ब्रिज आज भी कंस्ट्रक्शन में है, इवन 700 सालों के बाद भी। फैक्ट दैट ये आज तक एक भी आइलैंड नहीं पहुंच पाई। काउंटलेस लोगों ने इस बेकार से ब्रिज के ऊपर अपने टाइम को वेस्ट किया है, अपने लाइफ को लूज किया है। जो भी इस ब्रिज को बनाते टाइम अपने लाइफ को लूज करता है, उसे डेटा और हिस्ट्री से ही इरेडिकेट किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये लगा कि डार्कनेस पूरे वर्ल्ड में छा चुकी थी, एक ग्लिम्स ऑफ होप आया। ये हमें लेके आता है माउंट ब्लैंक नोलन। हमारे करंट लाइन के 4 साल पहले और ईयर 1122 में, भले ही नोलैंड डी क्लैन का मेंबर नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट एग्जांपल है कि आखिर विल कैसे पास ऑन होती है। जब उसे सफरिंग के बारे में पता चला ऑफ डॉब्स ऑफ ग्रीनबिट, वो उनके साथ रहा और उन्हें प्रोटेक्ट करता रहा, अल्टीमेटली उन्हें फ्री करते हुए, जो कि खुद चॉय बॉय करता। नोलैंड की ये जर्नी और ज्यादा कंटिन्यू होती है जब वो जाया पहुंचता है। सेंडोरियंस वो लोग थे जिन्होंने किंगडम ऑफ डॉन का आखिरी मूवमेंट तक साथ दिया था। इनफैक्ट उन्हें ये भी याद था कि उनके साथ सन गॉड खुद थे, लेकिन 400 सालों में उन्होंने अपने बिलीव को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो अपने आप को ही सैक्रिफाइस देते, ये कहते हुए कि वो सन गॉड को प्लीज करना चाहते। नोलैंड इन सेंटोरियंस में इन्हीं फ्लॉड को पॉइंट आउट करता है और वहां पे चेंज लेके आता है। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी और वन पीस से रिलेटेड ये हिस्ट्री कैसे लगी। अगर तुम चाहते हो कि हम इससे आगे का हिस्ट्री प्रिडिक्ट करने का ट्राई करें, देन लेट अस नो इन कमेंट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।